हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त अरुण नागर। आज हम आपके लिए लेके आए हैं लॉन्ग अवेटेड हुंडई एक्सटर। रिसेंटली इसको लॉन्च किया है हुंडई ने, कल ही लॉन्च हुई है गाड़ी, और आज हम आपके लिए वीडियो बना रहे हैं। अगर हम बात करें फ्रंट की, तो ये कुछ पंच से मेल खाती हुई गाड़ी है, कुछ इसी टाइप की लोग हम पराठा पंच की आती है। यहाँ पर आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प का ऑप्शन दे दिया है, ये बिल्कुल नीचे दिया है, तो आपको फॉग लैम्प की जरूरत नहीं पड़ेगी। एंड यहाँ पर LED DRS दे दिए हैं, और जो इंडिकेटर है टर्न इंडिकेटर, वो भी इसी में काम करते हैं। आपको हुड पे हुंडई के लोगो मिल जाएगा, एक्स्टर की बैजिंग मिल जाती है, एंड ग्रिल जो है कुछ इनको EV टाइप का सा रखा हुआ है, रेडिएटर के लिए यहाँ पे दिया है, और इन ग्रिल्स को ब्लैक पियानो फिनिश में रखा है, और कुछ EV जैसी लुक देती है फ्रंट में। अभी ये पेट्रोल में खड़ी है, इसको CNG में भी कंपनी ने लॉन्च कर दिया है। CNG में इसके दो वेरियंट आएंगे, ES एंड SX, दो वेरियंट CNG में आते हैं, और ये आपका पेट्रोल में टॉप वेरियंट खड़ा है। अगर हम बात करें इस वेरियंट के प्राइसिंग की, तो ये आपका एक्सशोरूम प्राइसिंग है 9,99,000। ये DT में खड़ा है, इसकी एक्सशोरूम प्राइसिंग है 10,09,000। अगर आप सिंगल टोन में लेते हैं, तो 9,99,000 एक्सशोरूम प्राइस इस गाड़ी की आती है। और फ्रंट की लुक आप देख सकते हैं, कुछ इस तरह की मस्कुलर सी लुक आती है भाई। अगर इसके इंजन की बात की जाए, तो इसमें आपको 1.2 लीटर का इंजन मिलता है, जो आपको प्रोड्यूस करता है 81 BHP एंड 113 Nm का टॉर्क। और अगर माइलेज की बात करें, तो ARI इसकी माइलेज क्लेम करती है 19.02 की। और मैं साइड प्रोफाइल आपके दिखा देता हूँ, साइड में आपको क्या कुछ देखने को मिलता है। तो सबसे पहले मैं आपको टायर साइज़ दिखा दूँ, 15 इंचेस का टायर साइज़ आता है अलॉय के साथ, टॉप वेरिएंट है, अलॉय है, चारकोल अलॉय आते हैं। एंड यहाँ पर फेंडर पर आपको व्हील आर्च ग्लाइडिंग देखने को मिल जाती है, ब्लैक की स्पोर्टी लुक सी देती है। यहाँ पर आपको स्मार्ट ऑटो की बैजिंग मिल जाती है, AMT ट्रांसमिशन के साथ आती है, ऑटोमेटिक गाड़ी है। ORVM टर्न इंडिकेटर के साथ आते हैं, ब्लैक पियानो फिनिश के साथ, ग्लॉसी फिनिश आपको ORVM पे मिल जाती है। डोर हैंडल बॉडी कलर्ड हैं, कीलेस एंट्री का आपको रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाता है, पुश स्टार्ट बटन कीलेस एंट्री गाड़ी में आती है। एंड यहाँ पर भी आपको रनिंग बोर्ड पर भी आपको प्लास्टिक मिल जाती है, जो रनिंग बोर्ड है पूरा ये भी कवर कर दिया है क्लाइडिंग से, ये भी सेफ्टी के हिसाब से काफ़ी अच्छा है। अगर हम बात करें गाड़ी के ग्राउंड क्लियरेंस की, तो 185 ग्राउंड क्लियरेंस गाड़ी का है, 185 mm ग्राउंड क्लियरेंस गाड़ी का है, जो काफ़ी अच्छा है इंडियन रोड्स के हिसाब से। और एक बार हम चलते हैं रियर में, मैं आपको दिखा देता हूँ रियर में क्या कुछ आपको देखने को मिलता है। तो कुछ इस तरीके की रियर की लुक आती है पूरी गाड़ी की, आप देख सकते हैं, काफ़ी अच्छी मस्कुलर सी लुक है, स्पोर्टी टाइप सी लुक यहाँ पर कुछ दे दी है कंपनी ने। यहाँ पर आपको SX की बैजिंग मिल जाती है, यहाँ पर एक्स्टर की बैजिंग मिल जाती है, रियर में आपको वाइपर मिल जाता है, डिफोगर मिल जाते हैं, हाई माउंटेड स्टॉप लैंप है, शार्क फिन एंटीना आपको देखने को मिल जाता है ऊपर, एंड यहाँ पर आपको रिवर्स पार्किंग कैमरे का ऑप्शन दे दिया है। बूट अगर हम ओपन करें, तो यहाँ पर आपको रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाता है, ये बूट आप देख सकते हैं, कुछ इस तरीके का बूट मिलता है। एंड बूट भी काफ़ी अच्छा दिया है, जैसे पंच के कंपैरिजन में गाड़ी लॉन्च की है, उसके हिसाब से अगर हम पंच की बात करें, तो 366 लीटर का बूट स्पेस मिलता है, एंड इसमें आपको 391 लीटर का बूट स्पेस मिलता है, तो पंच से आपको ज़्यादा ही मिलता है, और ये उसी के कंपटीशन पर गाड़ी है, तो डेफिनेटली उससे कुछ प्लस ही रखेगी कंपनी। और चलते हैं गाड़ी के अंदर, आपको क्या कुछ देखने को मिलता है। उससे पहले मैं आपको रूफ़ दिखा दूं, यहाँ पर आपको रूफ़ रेल्स का ऑप्शन भी मिल जाता है, ग्लॉसी फिनिश के साथ रूफ़ रेल्स आपको मिलती हैं, एंड ये ड्यूअल टोन खड़ा है, रूफ़ पूरी ब्लैक है, तो काफ़ी अच्छी एंड काफ़ी प्रीमियम सी लुक गाड़ी आपको दे रही है। अगर हम बात करें डोर्स की, तो यहाँ पर कोई भी सॉफ्ट टच मटेरियल का यूज़ नहीं किया है, ये प्योर प्लास्टिक है, थोड़ा प्राइस को कन्वीनियंट रखने के लिए कुछ इस तरीके का किया है। पावर विंडोज़ के कंट्रोल आपको देखने को मिलते हैं, ORVM इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल एंड फोल्डेबल के कंट्रोल्स यहाँ पर हैं, लॉक एंड अनलॉक। अब बात करें सीट की, तो ये आपको 6 वे एडजस्टेबल मिल जाती है, हाइट के अकॉर्डिंग आप एडजस्ट कर सकते हैं इसको, इस तरीके से बार बार पंप करने के बाद मैनुअल है। फैब्रिक सीट्स हैं, कोई लेदर वगैरह का यूज़ यहाँ पर नहीं किया है, आप देख सकते हैं पूरा फैब्रिक है। ये आप देख सकते हैं पूरी फैब्रिक सीट है, यहाँ पर ये थोड़ा सा लेदर का टच है, ये कवर है या फिर ऐसे ही है, कुछ मुझे कुछ आइडिया नहीं है इस चीज़ का। और अगर हम बात करें स्टेयरिंग व्हील की, तो लेदर रैप स्टेयरिंग व्हील आपको देखने को मिल जाता है, लेफ्ट में आपको इंफोटेनमेंट के कंट्रोल्स मिल जाते हैं, राइट में आपको क्रूज़ कंट्रोल के बटन मिल जाते हैं, एंड इसमें आपको पैडल शिफ्टर भी कंपनी ने यहाँ पर दे दिया है प्लस माइनस के लिए। और ये AMT ट्रांसमिशन के साथ खड़ी है, काफ़ी कन्वीनियंट कॉस्ट को थोड़ा कम रखने के लिए AMT ट्रांसमिशन हुंडई ने आपको यहाँ पर दिया है। सेंटर में आपको 8 इंचेस का एप्पल कारप्ले एंड ऑटो म्यूज़िक सिस्टम मिल जाता है। अगर बात करें यहाँ पर आपको AC ऑटोमेटिक के कंट्रोल्स मिल जाते हैं,
ये आप यूएसबी वगैरह पोर्ट, सी टाइप पोर्ट, यूएसबी पोर्ट, ये कुछ चार्जिंग ऑप्शंस हैं। वायरलेस चार्जर का ऑप्शन भी कंपनी ने यहाँ पर आपको दिया है। और बात करें हम ट्रांसमिशन की, तो 5-speed मैनुअल एंड 5-speed ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ आती है, जो पेट्रोल में आपको प्रोड्यूस करता है 81 bhp एंड 113 Nm का टॉर्क, 81 bhp एंड 113 Nm का टॉर्क गाड़ी आपको प्रोड्यूस करती है। स्टेयरिंग आप हाइट अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं, टेलीस्कोपिक नहीं है, टिल्ट है, आप अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ आपको लेफ्ट में कुछ वाइपर वगैरह के कंट्रोल मिल जाते हैं, एंड ये आपको हेडलाइट्स के कंट्रोल मिल जाते हैं, एंड यहाँ पर कुछ आपको स्पेस रखने के लिए मिल जाता है, फ़ोन वगैरह कुछ चीज़ें आप रख सकते हैं। एंड आप एयर वेंट्स देखेंगे तो ये कुछ मर्सिडीज टाइप से इंस्पायर्ड दिए हैं, थार में भी ऐसे ही आते हैं, मर्सिडीज ने सबसे पहले दिए थे, तो कुछ इस तरीके के एयर वेंट्स आपको देखने को मिलते हैं। ग्लव बॉक्स की हम बात करें तो ये कोल्ड ग्लव बॉक्स आपको मिल जाता है, बट स्पेस काफ़ी कम सा है, इतना ज़्यादा नहीं है, डिसेंट इनफ स्पेस मुझे नहीं लगा ग्लव बॉक्स में। अब बात करें रियर सीट की, तो मैं पहले अपनी सीट को हाइट अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेता हूँ हर तरीके से। तो ये कुछ स्पेस आपको देखने को मिलता है रियर सीट पर, मेरे को काफ़ी स्पेस देखने को मिल रहा है। अगर मैं बात करूँ हेडरूम की, तो काफ़ी अच्छा हेडरूम मेरे को देखने को मिल जाता है। एंड थाई स्पोर्ट की मैं बात करूँ तो थाई स्पोर्ट भी यहाँ पर कोई कमी नहीं रखी है, हुंडई ने थाई स्पोर्ट काफ़ी अच्छा दिया है, जो काफ़ी मेरे को अच्छा लगा। और 3 लोग इजीली बैठ सकते हैं, इतना स्पेस है। और अगर बात करें रियर पैसेंजर के कुछ कंफर्ट्स की, तो यहाँ पर आपको रियर एसी वेंट्स दे दिए हैं, 12 वोल्ट का सॉकेट दे दिया है। और मैं आपको रूफ़ पर दिखा दूँ तो इसमें आपको सनरूफ भी देखने को मिल जाता है, जो पंच में आने वाला है, टाटा पंच जो CNG में आ रही है उसमें वो सनरूफ के साथ लॉन्च होगी, तो हुंडई ने अपने एक्स्टर को ऑलरेडी सनरूफ के साथ लॉन्च कर दिया है। एंड यहाँ पर आपको रीडिंग लैंप का ऑप्शन मिल जाता है। तो ये थी हमारी हुंडई एक्स्टर, प्राइजिंग में आपको बता ही चुका हूँ, 5,99,900 एक्स शोरूम प्राइजिंग से स्टार्टिंग है बेस वेरिएंट की। टॉप की अगर हम बात करें 9,99,900 एक्स शोरूम है, और अगर आप ड्यूअल टोन में जाते हैं तो आपको 10,09,000 रुपये की पड़ती है एक्स शोरूम प्राइजिंग, अप्रॉक्स आपको 12 लाख के आसपास ही ऑन रोड पड़ जाएगी अगर हम बात करें टॉप वेरिएंट की AMT ट्रांसमिशन के साथ, XX ऑप्शनल AMT ट्रांसमिशन के साथ आपको ऑन रोड करीब 12 लाख में पड़ेगी। अब आपको ये गाड़ी कैसी लगी, कैसी नहीं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और क्या ये पंच की मार्केट को ख़त्म कर पाएगी, क्या ये पंच को कंप्लीट कर पाएगी या नहीं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।